तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। आज हम बताएंगे आइसोमर से कैसे चॉकलेट का कैंडी बनाया जाता है। तो सबसे पहले हमने गैस को चालू कर लिया, उसके बाद एक बॉल में ज़रूरत के हिसाब से आइसोमर ले लेंगे और उसको गर्म करेंगे। तो जैसे कि अभी बॉल गर्म हो चुका है, तो हमने आइसोमर को ले लिया बॉल में। अब गैस को थोड़ा तेज़ कर देंगे और कंटिन्यूसली उसमें नाइफ मारते रहेंगे। नाइफ इसलिए मारना ज़रूरी है कि आइसोमल्ट उसमें ना चिपके। तो दोस्तों, आइसोमल्ट को पिघलाते टाइम आपको सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो आइसोमल्ट रहता है बहुत ज़्यादा गर्म रहता है और एक भी बूंद गिर जाए तो बहुत ज़्यादा पैनिक होता है। तो इसको करते टाइम आराम से करना चाहिए। तो दोस्तों, जब तक आइसोमल्ट पिघल रहा है तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आइसोमॉल्ट अच्छे से गर्म होने के बाद अब हम इसमें बनाएंगे चॉकलेट का कैंडी। तो आराम से इसको गोल के शेप में डाल देना है एक सिल्वर वर के ऊपर में। और अभी इसमें आप कलर भी मिक्सिंग कर सकते हैं। अभी हम इसमें पिंक कलर मिक्स भी करेंगे और आपको बताएंगे। देन ऐसे ही गोल गोल शेप में डाल देना है, उसके ऊपर में कुछ भी आप डिज़ाइन दे सकते हैं। और उसमें एक टूथपिक डाल देना है स्टैंड के लिए। अभी हमने पिंक कलर भी मिक्सिंग कर लिया है और इसमें भी बनाएंगे वैसे ही गोल गोल शेप में कैंडीज। और उसमें आप कुछ भी डेकोरेट कर सकते हैं, जैसे कि ऑर्डर रहेगा आपका, जिस टाइप का ऑर्डर रहेगा उस हिसाब से बना सकते हैं और टूथपिक डाल के स्टैंड बना सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही बनाई जाती है चॉकलेट की कैंडी। मिलते हैं और एक वीडियो में। थैंक यू।